सभी भाइयों को राम राम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ और माल्टा में एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को। आज रात से मेरा बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा और आज की रात हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपने रूम में, अपने फ्लैट के अंदर, अपने जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, रूममेट्स हैं, नए दोस्त हैं माल्टा के अंदर। तो गाइस आज की रात बहुत ही खास होने वाली है मेरे लिए और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। और मैं आज बता देता हूँ कि हम लोग आज की पार्टी में मटन बिरयानी बनाने जा रहे हैं, जो कि साउथ से है मेरे फ्रेंड, और वो लोग अपने तरीके से आज मटन बिरयानी बना के खिलाएंगे। तो सबसे पहले तो सभी भाइयों को हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ऑल पे रखें, ताकि जो भी मेरी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलते रहें हर एक नई वीडियो के। और माल्टा से रिलेटेड कोई भी वीडियो, जॉब्स हो, आप वो सब वीडियो आप तक टाइम से पहुंचे। तो गाइज आज की वीडियो में आप देखोगे कि हमारी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन, ओके। तो और मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरे फ्रेंड्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं बिरयानी बनाने के लिए। तो चलो मैं दिखाता हूँ अपने फ्रेंड्स को। तो गाइज आपने अभी देखा भाई मटन काट रहा है और अभी आज बिरयानी बन रही है। ये बोनलेस है या फिर कौन सा है? बोनलेस है। हाँ, तो ये बोनलेस है, इसमें बोन्स नहीं है, खाली है ना। तो कैसा लग रहा है काट के? अच्छा। तो भाई कहाँ से है? मैं इंडिया, केरला। केरला से। यहाँ पे सब मेरे रूममेट्स केरला वाले हैं सबसे पहली बात, और केरला वाले भाई यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे आपको। कहीं भी आप चले जाओ माल्टा के या यूरोप के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको ज़्यादातर साउथ वाले ही मिलेंगे। और ये भी शेफ है। मैं भी शेफ है। और भी थोड़ा दे दो डिटेल। जो मैं केरला से है अलपी, कभी माल्टा में आके 6 महीने हो गया। तो माल्टा में कैसे आए थे थोड़ा बताओ। माल्टा में मैं पहले लिथुआनिया में काम किया था, जो मेरा वीसा तो यूरोपियन वीसा था, जो अगर आप यूरोप में किसी भी आए हो तो आपका वीसा तो शेंगन वीसा है, तो आपको कार्ड मिले तो ऑलमोस्ट 22 जगह पे हमको 26 जगह पे हमको ट्रैवल कर सकते हैं। अगर कोई कंट्री से आपको जॉब ऑफर लेटर मिले तो आपको सीधा उधर चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, वो एक सबसे बड़ा रीज़न है। जॉब तो ढूंढना खुद ढूंढे तो अच्छा है, अगर एजेंसी के साथ आए तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। okay. क्योंकि इधर बहुत सारे एजेंसी है। खुद तो, कैसे ढूंढे लोग? नहीं, मैं जो हमेशा फेसबुक और इंस्टाग्राम में हम लोगों को चेक कर सकते हैं, अगर यूरोप में ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो लोग वैकेंसी ऐसा डालते हैं, और हमारे पास यूरोपियन वीसा हो जाए तो वो मिलने के लिए ईजी है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं है। हम लोग खाली है लोगों को अप्लाई करने का, हेलो पूरा पेपर वगैरह सब करे तो इसी से आएगा। मैं ऐसा आया अभी माल्टा में आके 6 महीने हो गया। तो और होटल के, जैसे होटल के नाम सर्च करके होटल पे उनको ईमेल सेंड कर दो। हाँ, क्योंकि हमेशा वो लोग अगर कुछ जॉब डाले तो हमेशा उसमें लिखते हैं, वो लोगों का मेल आईडी वगैरह, उसका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ लिखेगा। अगर आपको एक्सपीरियंस वगैरह हो जाए तो हमारा CV उसमें सेंड करने का, तो तभी थोड़ा ईजी है। अगर एक अच्छा जगह में काम करे तो काम मिलने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, मतलब हम लोग डिफरेंट कंट्री से आ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्टीज है, तो सब एक दिन ठीक हो जाएगा बस। ओके, थैंक यू। तो गाइज आपने सुन लिया होगा, थोड़ा सा टफ होता है अप्लाई कर जब हम करते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं। और आप ऑनलाइन अप्लाई करो जहाँ भी आप माल्टा है, जैसे माल्टा में आप टॉप होटल सर्च करो, टॉप 5 होटल, टॉप 10 होटल, उनके नाम चेक करो, नाम के बाद उसकी प्रॉपर्टी में जाओ, उसके कैरियर में जाओ, वहाँ पे उनकी ईमेल्स होती है, नंबर होते हैं, उन पे आप कॉन्टैक्ट करो, ऐसे करके आप जॉब गेट कर सकते हैं। और भी काफ़ी
ऑनलाइन आपके पास प्रोसेस है अप्लाई करने की, जैसे कि आप लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे भी आपको कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, बड़े बड़े होटल्स के। आप माल्टा में कंपनीज भी सर्च कर सकते हो, लाइक टॉप 5 कंपनीज इन माल्टा कुछ ऐसे करके डाल सकते हो, उसमें बहुत कंपनीज आ जाएगी। और दूसरा कुछ सुपर मार्केट्स डाल सकते हो कि कौन कौन सी सुपर मार्केट्स हैं माल्टा में, और उसके बाद उसमें अप्लाई करो। ये बहुत ही इजी तरीका है अप्लाई करने का ऑनलाइन, अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते, एजेंट के चक्कर में आप अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो। और बाकी बात में करेंगे और आगे प्रोसेस आपको दिखाते हैं मटन का आज। तो गाइस ये क्या बनाया आपने? ए हम लोग, हमारा दोस्त का बर्थडे है इसलिए हम लोग थोड़ा मल्लू बिरयानी बना रहा है। ये बिरयानी के ऊपर डालेंगे ना? यार बिरयानी के ऊपर डाल। तो गाइस ये देख सकते हो, इन्होंने ड्राई नट्स और अनियन फ्राई कर लिए हैं। सो गाइस अभी खाने खाने की बारी आ गई है, केक काट लिया है बहुत, अभी एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। तो देखो हम ये सब मेरे रूममेट्स हैं, सब नए आए हैं यहाँ पे और मैं भी नया ही हूँ, बट दो तीन फ्रेंड माल्टा से यहाँ पे मूव हुए हैं और काफ़ी पुराने भी है कई। तो चलो आज बिरयानी का एंजॉय करते हैं, फर्स्ट टाइम यूरोप के अंदर बिरयानी खा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा बनाया भाई लोगों ने। Cheers! Cheers! Okay, man. Cheers! Mom. Ah, see. Keep on. Come 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 on
पैसे ज्यादा इसके लिए मैं उसमें योगर्ट डाल दिया। मटन तो मस्त है। सो गाइस दबा के खा लिया है पूरा, बहुत मजा आया खा के। और साउथ इंडियन स्टाइल में बना था, बहुत स्पाइसी था क्योंकि मैं दुबई में रहा हूँ 4 साल, तो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया मैंने स्पाइस खाना। बट जो इन्होंने बनाया था स्पाइसी था काफ़ी, क्योंकि साउथ वाले थोड़ा ज़्यादा खाते हैं और मैं हूँ थोड़ा नॉर्थ से, सो इसलिए मेरे को कम स्पाइसी खाने का आदत है। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, ड्रिंक किया, और मतलब जो इन्जॉय होना चाहिए पूरा अच्छे से किया है। और आशा करता हूँ कि नेक्स्ट बर्थडे भी मेरा बहुत अच्छे से हो, और पता नहीं कौन सी कंट्री में होगा। खैर लास्ट बर्थडे मेरा यूएई में था और इस बार मैं यूरोप में हूँ, और इसके बाद देखते हैं कहाँ पे होता है, क्योंकि टाइम चेंज होता रहता है। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का कोई प्लान नहीं था, बट फिर भी हमने कर लिया है क्योंकि यूरोप में आया हूँ मैं, तो इसके चक्कर में मैंने सोचा चलो थोड़ा वीडियो भी बन जाएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी हो जाएगा यूट्यूब पे, और सेलिब्रेट का सेलिब्रेट हो जाएगा। बस इतना ही वो था। और भाई मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राम राम।